एचआरसी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अभी हाल ही में चर्चा में आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ राज्य की भाजपा सरकारें इसको लागू करने को लेकर अपना मन बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको केंद्र की भाजपा सरकार का छलावा का बनाने का बड़ा एजेंडा बताने में लग गया है। इसी महत्वपूर्ण मसले को लेकर राजधानी लखनऊ के आम आदमी पार्टी कार्यालय में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए इसको सरकार का बड़ा षड्यंत्र बताया, तो वहीं आप सांसद के इस आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, केवल झूठे आरोपों के अलावा। आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, जो सांसद हैं, और उनसे जानते हैं कि सर ओपीएस और यूपीएस में क्या बवाल मच गया, क्या अंतर है आखिर दोनों में। देखिए, यूपीएस जो है वो बहुत बड़ा धोखा है कर्मचारियों के साथ, और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस पेंशन स्कीम में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर वो 38 साल, 36 साल, 37 साल, 39 साल, 40 साल की उम्र में नौकरी करेंगे तो, क्योंकि इसमें पेंशन ही मिलेगी आपको 25 साल के बाद। अर्धसैनिक बलों को आपको अगर लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो ओपीएस ही बहाल करना चाहिए, वही हमारी डिमांड है। क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम जिस तरीके की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इससे खुश नजर आई, तो आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इस विषय में? नहीं, ये धोखा है, ये कर्मचारियों के साथ धोखा है, मैं तो दोहरा रहा हूँ इस बात। हमारे साथ बात कर रहे थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।